हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं डिजिलाइज। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्रेनिंग्स और बिजनेस केस स्टडीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग, इसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई और हमको डिजिटल मार्केटिंग यूज क्यों करनी चाहिए। देखेंगे कंपैरिजन डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फिर बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है और लास्ट में इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे। कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के 2 लाख से भी ज्यादा सर्चेस होते हैं हर मंथ। तो क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वाया 1 or 2 फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब ये एक मार्केटिंग टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के थ्रू एग्जीक्यूट होती है और इसके यूजर्स आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिलते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने 2015 से पहले ऑनलाइन शॉपिंग की है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि 329 मिलियन इंडियन पीपल ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज परचेस कर रहे होंगे 2020 तक। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है? एक गवर्नमेंट वेबसाइट के सर्वे से पता चला है कि 2021 तक इंटरनेट यूजर्स 829 मिलियन हो जाएंगे जो कि 560 मिलियन थे सितंबर 2018 को। अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर देखें रीच को तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की रीच बहुत ही लिमिटेड है, बट डिजिटल मार्केटिंग में आप मिलियन या बिलियन पीपल तक भी पहुंच सकते हैं। फिर आती है टारगेट ऑडियंस। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेटिंग नहीं होता, बट डिजिटल मार्केटिंग में आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। अगर एंगेजमेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप किसी से भी एंगेज नहीं कर सकते, और डिजिटल मार्केटिंग में आप ये भी अच्छे से कर सकते हैं। प्राइस को कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको सेलिब्रिटीज, होर्डिंग बोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स या पैम्पलेट्स यूज करने पड़ते हैं जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है, बट डिजिटल मार्केटिंग में आप ये कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकते हैं। ROI को कंसीडर करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको कोई गारंटी नहीं मिलती, बट बात करें डिजिटल मार्केटिंग तो आप ये भी अच्छे से कर सकते हैं और आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस तक प्रोडक्ट या सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक राइट ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव वे में। डिजिटल मार्केटिंग में आपको हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजिटल मार्केटिंग को और भी पावरफुल बनाता है वो ये है कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर की एक्टिविटीज है उसको भी आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टॉप मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल नंबर 1, सबसे पहले आता है वेबसाइट डिजाइन, यानी ये डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। अगर आपके ब्रांड की वेबसाइट रेडी हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है जो आपके कस्टमर्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। अब वेबसाइट बनाते कैसे हैं, क्या करना होता है इसके लिए, ये सब हम बात में देखेंगे आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट मॉड्यूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SEO भी कहते हैं। अब ये SEO क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम सर्च इंजन रिजल्ट्स पर अपनी वेबसाइट को टॉप पर रैंक कर सकते हैं। तो क्या ऐसे ही टॉपर आ जाती है वेबसाइट? जी नहीं, इसके लिए सर्च इंजन जैसे कि गूगल के 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को टॉप पर रैंक करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गूगल रेगुलरली एल्गोरिथम्स में अपडेट करता रहता है, जिससे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही डायनेमिकली और अनप्रेडिक्टेबली वर्क करती है। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर अपनी ब्रांड प्रेजेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इससे आप एक अच्छा सा कस्टमर बेस भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको SEM भी कहते हैं। इस मॉड्यूल में पेड एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व होती है। जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं उसके कैंपेन्स मैनेज करते हैं, जिससे आपके बिजनेस के सेल्स को बूस्ट मिलता है रैंकिंग्स में, और ये आप कर सकते हैं गूगल एड्स या बिंग एड्स की हेल्प से। मॉड्यूल नंबर 5 है कंटेंट मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के इस मॉड्यूल में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जिससे ब्लॉग या वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट करके कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है ईमेल मार्केटिंग। जैसा कि हमको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम प्रमोशनल ईमेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल है वेब एनालिटिक्स, जिसमें आप आपका किया हुआ सारा वर्क ट्रैक कर सकते हैं, मार्केटिंग का नेक्स्ट मूव प्लान कर सकते हैं जो आपकी सेल्स को बढ़ाएगा। तो ये थे टॉप डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स। आने वाली वीडियोस में हम इन मॉड्यूल्स के डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि उनको किसी भी बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और एम्प्लॉइज के साथ, ताकि डिजिटल मार्केटिंग लेसन्स उन तक भी पहुंच सके। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब सर्च कर रहे हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की आपको जरूरत है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियोस में आप कुछ बहुत ऐसा सीखने वाले हैं जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ डिजिलाइज पर। दिस इज रजत अभिजीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम डिजिलाइज। कीप लर्निंग।